ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ श्री राम जी को 14 प्रकार के मनुष्य योनि के बारे में बताते हैं कि उन्हें मोक्ष मार्ग की ओर वो बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, और ये पूरा का पूरा जो निर्भर है वो है सत्वगुण की प्रधानता पर। सत्वगुण बढ़ा तो जो गति है आध्यात्मिक मार्ग में वो बढ़ जाती है, और तमोगुण से वो गति उल्टी हो जाती है। तो वो कह रहे हैं जो पहले प्रकार के हैं उनको कहते हैं प्रथमत्व। इन लोगों में शुद्धता अपनी चरम सीमा पर आ जाती है, यानी कि सत्वगुण की प्रधानता बहुत अधिक हो जाती है, वो इस जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है गुण पीवरी। गुण पीवरी का तात्पर्य है कि ऐसे लोग पुरुषार्थ तो करते हैं आध्यात्मिक मार्ग में, लेकिन इनमें वैराग्य की कमी हो जाती है। वैराग्य की कमी होने के कारण में ये मोक्ष नहीं पा कर करके बल्कि स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं, और फिर उसके बाद में ये 10 या 15 जन्म में फिर इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ये इनमें फिर धीरे धीरे दिव्य गुण की प्रधानता बढ़ती है, जैसे सम है, दम है, तितिक्षा है, और फिर ये अंत में ये भी मोक्ष पा लेते हैं 10 या 15 जन्म में। तीसरा है ससत्व। ससत्व का तात्पर्य है कि ऐसे लोगों में सत्वगुण धीरे धीरे बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? सुख और दुख का जब अनुभव करते हैं तो ये दुख को देख कर करके अपने भीतर में सत्वगुण की प्रधानता बढ़ाते रहते हैं, यानी आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग हैं वो 1000 जन्म बाद में आत्मज्ञान पाते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग में पूरा प्रयत्न नहीं कर पाते हैं। चौथा है अधम सत्व। अधम सत्व का तात्पर्य है कि सत्वगुण यहाँ पर पूरी तरीके से दब गया है, तमोगुण और रजोगुण उभर के आ गया है, और इनके मन में अनेक प्रकार की सांसारिक कामनाएं होती हैं, उलझनें होती हैं, और ये साथ में उसके साथ में उन उलझनों के साथ में ये अनेक प्रकार के पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, और इनको आत्मज्ञान होना बड़ा कठिन हो जाता है, यानी कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पांचवा है अत्यंत तमस। अत्यंत तमस का अर्थ है सत्वगुण पर तमोगुण का पूरा अधिकार हो जाना। एक प्रकार से ये इनका जीवन शरीर तो इनका मनुष्य का है, लेकिन ये मानव जीवन का दुरुपयोग कर लेते हैं। जैसे कह सकते हैं कि योनि तो मनुष्य की है, लेकिन यानी जो खाल है मनुष्य की है, लेकिन उसके भीतर राक्षस के रूप में इनके मन, इनके विचार बैठे रहते हैं, और ये अनंत जन्मों के बाद में भी, यानी कि अनंत जन्मों तक ये निरंतर जन्म लेते रहते हैं, फिर जाके इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर है राजसी। जो छठा है वो राजसी प्रकार के हैं। ये ऐसे लोग निम्न योनि से आते हैं, जैसे पशु है, कीट इत्यादि है, इन योनियों से फिर ये मनुष्य की योनि में आते हैं, और फिर ये धीरे धीरे पाप कर्म भी करते हैं, पुण्य कर्म भी करते हैं, क्योंकि निवृत्ति मार्ग का तो यहाँ अभाव ही रहता पूरी तरह से, और फिर ये मृत्यु के बाद में पाप कर्मों से नरक में और शुभ कर्मों से पुण्य कर्मों से स्वर्ग में जाते हैं, और ये निरंतर भटकते ही रहते हैं। इनको अध्यात्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। सातवां है रजस सात्विकी। रजस सत्वगुण के साथ में मिला रहता है। यहाँ जो अगर सत्वगुण अगर बढ़ा हुआ है तो रजस इनका जो है वो जो क्रिएटिविटी है वो आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ने लग जाती है, यानी इनका जो रजोगुण है वो लाभकारी बन जाता है रजोगुण के साथ में, और ये इसी जन्म में मृत्यु के बाद में मोक्ष पा लेते हैं। आठवां है रजस राजसी। रजोगुण में और रजोगुण रहता है, सत्वगुण की कमी हो जाती है, तमोगुण भी रहता है। ऐसे लोगों में वैराग्य का अभाव रहता है। वैराग्य का अभाव होने के कारण में ये लोग फिर मृत्यु के बाद में यक्ष हैं
या गंधर्व हैं इन योनि में जाते हैं और धीरे धीरे फिर ये आ करके फिर ये धीरे धीरे उन्नति करते हैं और अंत में इनको मोक्ष लंबे समय बाद लंबे जन्मों के बाद में हो पाता है। नवा है रजस तामसी। रजोगुण पर तमोगुण का पूर्ण अधिकार रहता है। ये ऐसे कर्म करते हैं या यज्ञ करते हैं जो तामसी होते हैं, भूत प्रेत पूजा हो गई या जो भी दैनिक जीवन के उनके जो कर्म हैं उनमें उनका जो मानसिकता है वो काम के आधार पर, क्रोध के आधार पर, आतंक के आधार पर, और ये हजार जन्म के बाद में इनको मुक्ति प्राप्त होती है। दसवां है रजस अत्यंत तमस। रजोगुण सत्वगुण तो पूरा ढका हुआ है लेकिन रजोगुण भी तमोगुण से ढका रहता है और ये कहा जाता है, गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि ये बड़ा संशय है कि ये हजारों जन्म के बाद में भी मोक्ष पाएंगे या नहीं पाएंगे, शंका रहती है यहाँ भी। ग्यारहवां है तामसी। तामसी का तात्पर्य है कि इन जीवात्मा तमोगुण से पूर्ण रूप से ढका रहता है और ये इस कल्प में तो मोक्ष नहीं पा सकते हैं। बारहवां है तमस सत्व। तमोगुण में सत्वगुण भी मिला रहता है। ऐसे जो लोग हैं वो राक्षस कुल में या पिशाच कुल में जन्म लेते हैं। अधिकांशतः लोगों को मोक्ष नहीं मिल पाता है लेकिन वहाँ भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जैसे कि प्रहलाद हैं, योग वशिष्ठ में कर्कटी की कथा आई थी, इन्होंने भी राक्षस योनि में आकर करके मोक्ष पा लिया था। फिर है तमो रजस रूपिणी और चौदवा है तमस तामसी। ये फिर ये तो बिल्कुल और भी निम्न प्रकृति वाले लोग होते हैं।